हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है सूजी गुलाब जामुन रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और इजी लगता है मुझे घर पे बनाना। इसको मैं आज तीन शेप में बना रही हूँ, पर भी सूजी गुलाब जामुन के लिए कौन सा शेप सबसे बेहतर है और क्यों, वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, तो आपको बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले मैं एक पैन में ले रही हूँ एक कप सूजी या फिर रावा, जो भी आप बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। जब इसमें से थोड़ा सा महक ऐसा खुशबू आने लगे, इसका स्मेल आ जाए, तब मैं इसमें मिला लूँगी इलायची पाउडर 1/4 टेबल चम्मच जितना मैंने यूज़ किया है। इसको भी अच्छे से मिला के मैं इसमें ऐड कर लूँगी मिल्क। तो 2 कप दूध मैंने इसमें डाला है, 1 कप सूजी में 2 कप दूध। तो इसको लो फ्लेम पर ऐसा लगातार चलाते हुए मैं कुक करना है मुझे, ताकि दूध सूखने तक और जो सूजी जो है थोड़ा सा बॉयल हो जाए। तो आप देख सकते हैं दूध अच्छे से सूख गया है हमारा। अभी मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और उसी टाइम उसी बीच में मैं बना लूँगी शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाना बहुत इजी है, आपको जितना पानी लेना है उतना ही आपको चीनी डालना है, इतना ही है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी मैं इसमें डाल दूँगी। 1 कप सूजी के लिए इतना मेजरमेंट ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है, मेजरिंग कप नहीं है, तो आप एक ही बर्तन का इस्तेमाल कीजिए और ऐसा सेम रेशियो में आप इसको कम ज़्यादा करें। तो मैंने इसमें एक इलायची और थोड़ा सा केसर डाल दिया। केसर ऑप्शनल है, इलायची मैंने एक डाला क्योंकि सूजी में मैंने ऑलरेडी इलायची को मिक्स किया है। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसमें मुझे ऐड करना है घी 1 से 2 चम्मच। अब इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने 1 ही चम्मच का इस्तेमाल किया। और सूजी गुलाब जामुन का मेहनत इतना ही है कि इसको बहुत अच्छे से गूंदना होगा आपको। तो इसी बीच में मैं शुगर सिरप भी एक बार चेक कर लूँगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, एक बार चीनी मेल्ट हो जाए तो थोड़ी देर कुक कर लीजिए इसको। इसका कंसिस्टेंसी शहद जैसा एक बार हो जाए तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको साइड पर रख देना है। तो शुगर सिरप हमारा रेडी हो गया। अब फिर चले आते हैं सूजी पे। तो सूजी को बहुत ऐसा जोर लगा के थोड़ा गूंदना है, इससे गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट भी बनेगा और इसका शेप भी बहुत अच्छा आएगा। इतना ही मेहनत है, 10 to 15 मिनट्स इसको आपको बहुत अच्छे से घून लेना है। फिर भी जितना सेक्शन आप बना रहे हैं इसके ऐसा हाथों से अच्छे से मसल करके आप बनाएँ। पहले मैं इसको ऐसा राउंड शेप लगा रही हूँ, फिर मैं हल्के हाथों से ऐसा इसको घुमा के इसका थोड़ा लंबा शेप दे रही हूँ, बार शेप जैसा मैं पहले बना रही हूँ। तो इस शेप में मैंने बना लिया 5 to 6। अभी इसको मैं तुरंत ही डाल दूँगी फ्राई के लिए। तो तेल मैंने पहले गर्म कर लिया था, फिर भी इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि वो अच्छे से कुक हो। अगर आप लो फ्लेम पे नहीं करेंगे तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से कुक अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसको लो फ्लेम पे ही करें। और एक बार फ्राई होते वक्त ही मैं दूसरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं बनाऊँगी राउंड शेप, ऐसा हाथों से मसल के मैं इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दूँगी। और इसी बीच में मैं वो फ्राई किया हुआ गुलाब जामुन भी चेक करती रहूँगी। इसका कलर चेंज हो रहा है, फिर भी इसका कलर और थोड़ा डार्क होने तक मुझे इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं स्लाइडली ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसमें इसको निकाल के डाल दूँगी शुगर सिरप में। और इस टाइम पे शुगर सिरप बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और एकदम ठंडा भी नहीं है, थोड़ा गुनगुना सा है, इसी टाइम पे इसको डालना है। अगर ये जब तक सिरप पी रहा है, मैं बाकी के गुलाब जामुन भी बना लूँगी। राउंड मैंने बना लिया, अभी मैं तीसरा शेप बना रही हूँ थोड़ा चपटा वाला। अगर उसको पहला उसको राउंड शेप देना है, बाद में हाथ से ऐसा प्रेस करना है। अगर आप साइड ऐसा फटा हुआ दिखे तो उसका मतलब ये है इसको आपको फिर से गूंदना है, या फिर अगर आप 2-3 लोग एक साथ बना रहे हैं तो ज़्यादा आसानी होती है। बनाते जाओ फ्राई करके, उसको सिरप में डालते जाओ। अभी मैं राउंड वाला फ्राई कर रही हूँ। इसको बना के बाहर इतना रखना नहीं है, नहीं तो ऐसा हवा के कारण इसके ऊपर एक स्किन बैठ जाता है और ये फटने का चांसेस रहता है। अगर थोड़ी देर बाहर रख रही है तो गीले कपड़े से इसको कवर करके रखना है। तो मैं फिर से चपटा वाला बनाने की गूंदने के बाद मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ। पहला राउंड बना के ऐसा मैंने हाथों से प्रेस किया, पर इसका साइड अभी नहीं फटा। इसका मतलब ये है अच्छे से गूंद गया है और अभी सिर्फ इसको बनाना है। राउंड वाला मेरा फ्राई हो गया, अभी मैं चपटा वाला फ्राई कर रही हूँ। इसको भी मैंने शुगर सिरप में डाल दिया। हो गया,
दूँ सभी को शुगर सिरप में डाल के। मैं इसको कवर करके दो से तीन घंटे के लिए अगर आप इसको सोक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप ओवरनाइट सोक करेंगे तो उसका लुक ऐसा आएगा। अच्छे से शुगर सिरप को पी के बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं प्रीफर करती हूँ कि आप उसको ओवरनाइट ही रखें। फिर भी अगर आपको ऐसा जल्दी जल्दी कुछ फंक्शन है ऐसा करना है तो आप दो से तीन घंटा भी रख सकते हैं। तो अभी शेप पे आ जाते हैं, कौन सा शेप सबसे अच्छा है। तो मेरे हिसाब से सूजी गुलाब जामुन के लिए बार शेप बेस्ट है। ये जितना भी शुगर सिरप पी ले उसका शेप का कुछ नहीं होता। और दूसरा है चपटा वाला, राउंड वाला मैं प्रीफर नहीं करती। ये ज़्यादा सिरप पीने से कभी कभी ऐसा होता है अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण इसका शेप बिगड़ भी सकता है, तो मैं बार शेप ही प्रीफर करती हूँ। ये बेस्ट शेप है लंबा वाला थोड़ा। और ये रेसिपी को आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।